हो बदतमीज, तेरे को शर्म नहीं आ रही इतनी सी उम्र में चोरी कर रहा है? मैं चोरी नहीं कर रहा था। ओए मुझे मत चला वरना ऐसा हाल करूंगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। तेरी औकात नहीं है स्कूटी खरीदने की, तो चोरी करेगा ना और कर भी क्या सकता है तू? आंटी आपकी स्कूटी बच्चों ने गिरा दी थी, मैं तो बस इंसानियत के नाते उसे उठा रहा था। और हाँ तमीज में, अगर आप दिमाग नहीं चला सकती ना तो जवानी मत चलाइए। आंटी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी। कॉलेज में पढ़ती हो चाहे स्कूल में, मेरे को क्या लेना देना, रिश्तेदारी नहीं मानी है क्या? अब अगर और जबान लड़ाई तो एक थप्पड़ और लगाऊंगी खिंचा के। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, निकल जाए चुपचाप बदतमीज कहीं का। चल चला जाए यहाँ से, नहीं तो जबान खींच लूंगी तेरी। घूर क्या रहे, पिट जाएगा मेरे हाथ से, चल निकल यहाँ से अब। हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी आपके शब्दों से लगता है कि आप पागल हैं या आपको संस्कार नहीं है। इतना सासा है नहीं है और एटीट्यूड इतना सारा, इसको तो मैं छोड़ूंगी। अरे क्या हुआ हिमांशी? पहले तो ये बताओ एक घंटे से कहाँ पर थे तुम, इतनी देर हो गई मुझे इंतजार करते हुए तुम्हारा। अरे यार हिमांशी तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या, और भी काम होते हैं, तुम बताओ कि हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी स्कूटी नहीं संभल रही है, इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी वेट कर रही हूँ, तुम्हारा चल नहीं रही है। ये बहुत खटारा स्कूटी है, मुझे चेंज करके अपनी गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी ला के दो। अरे यार हद, तुम बार बार गाड़ी की जिद क्यों करती हो, कहाँ से लाऊं अभी इतने पैसे? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ लेकिन मुझे गाड़ी ला कर दो। मेरी कितनी डिमांड मैंने करी, कोई डिमांड तुम पूरी नहीं करते, लेकिन मुझे ये मेरी डिमांड पूरी करवानी है। मुझे गाड़ी चाहिए, चाहे कहीं से लेकर आओ चाहे दो जॉब करो, आई डोंट केयर। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुमसे, किसी काम के नहीं हो तुम। मैं तो मेरा ये करता कि मैं तुमसे अभी के अभी ब्रेकअप करके अलग हो जाऊँ। चलो ठीक है, गाड़ी का मैं बाद में कुछ कर लूंगा, अभी मेरे को ऑफिस के लिए भी देर हो रही है, ऑफिस के लिए तैयार होना है। मैं घर जाके मैकेनिक को कॉल करता हूँ, मैकेनिक आके तुम्हारी स्कूटी सही कर देगा। कितनी देर वेट करूँ मैं, ऑलरेडी कितनी देर से वेट कर रही हूँ और इतनी देर तक मैं करूंगी भी क्या यहाँ पे खड़े होके? अरे यार थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकती क्या तुम? अरे यार मैकेनिक आ जाएगा थोड़ी देर में, तुम दिमाग खराब मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रही है तो बॉस और सुनाएगा। तुम ख्याल रखना अपना, मिलता हूँ तुमसे। ठीक है जाओ, कुछ कह थोड़ा सकते हैं तुम, निकलो। और बबलू भाई कैसे आना हुआ? अबे हमारा घर है, अब क्या तुमसे पूछ का हुआ क्या अपने घर? अरे हाँ हाँ भाई आपका ही घर है, जब मर्जी आओ आप। अब ना ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों भाइयों ने दुखी कर रखा है। शुक्र मनाओ कि तुम दोनों भाइयों को यहाँ रहने दे रहा हूँ, वरना जितनी तुम्हारी कंप्लेंट आती है ना उतने बार धक्के मार के निकाल दूं मैं। मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि तुम्हारा ना इस महीने से ना किराया बढ़ के लगेगा। अरे बबलू भाई साफ बोलो ना किराया बढ़ाना है, झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और मेरी बात सुनो, एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा एक साल का किराया जो है ना वही रहेगा, एक रुपया ज्यादा नहीं देंगे। अबे ओ एग्रीमेंट गया भाड़ में, इस महीने से फालतू किराया लगेगा तो लगेगा, और मेरे को ज्यादा मस्ती का मैं ऐसे थप्पड़ मारूंगा ना कान लाल हो जाएगा। भैया मेरे से कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है ना भैया से बोलना, अगर मैंने कुछ बोल दिया फिर आपका मुंह बन जाएगा। अबे जितना छोटा है उतनी जुबान लड़ा रहा है, अबे तुझे और तेरे भाई को ना दोनों को देख लूंगा, समझ गया ना? अगर ज्यादा बोलेगा ना तो अभी के अभी ना दोनों भाइयों को सामान के साथ बाहर निकाल दूंगा घर से। किराया तो बढ़ा के लूंगा ही लूंगा, और तू ना जुबान कम लड़ाएगा, वरना किराया तो लूंगा ही लूंगा और तेरा ना कान लाल कर दूंगा। अरे बबलू भाई बाहर से सुन रहा था मैं, बच्चों कैसे धमका रहे हो आपको किराए की जो भी बात करनी होती है मुझसे क्या करो, घर का बड़ा मैं हूँ यहाँ पे, बात करते हो यार छोटे से बच्चे को सुना रहे हो। और जहाँ तक किराए बढ़ने की बात रही ना, एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं देंगे हम। अरे जाइए निकल लिया आप अब। ठीक है देख लूंगा तुम दोनों भाइयों को, एक बार एग्रीमेंट खत्म होने दो। हाँ हाँ जाइए आप पहले, अभी एग्रीमेंट के बाद देखेंगे जो भी होगा। बात करते हैं यार, एक तो लॉकडाउन से आदमी की हालत ऐसी खराब हो रखी है, ऊपर से ने किराया बढ़ाना है। और अब तू टेंशन मत लिया कर इन बातों की, तेरी क्लास का टाइम हो रहा, जा क्लास के लिए रेडी हो, मैं तेरे लिए खाना बना के रख दूंगा, खाना खा लियो। अरे सब कुछ मैं कर लूंगा, तेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तू जा क्लास के लिए रेडी हो। अच्छा भैया ठीक है। अरे यार बहुत सारे काम है। हिमांशी कॉल कर रहा है। हाय हिमांशी। हाँ शेखर मुझे तुमसे आज मिलना है। मैं तो अपने घर का एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ,
तुम थोड़ी देर बाद आ जाना क्योंकि मेरा भाई घर पे नहीं है। ठीक है, मैं आती हूँ अभी 10-15 मिनट में। चलो ठीक है। दरवाजा खुला है, आ जाओ। अरे मानसी, कैसी हो जान? जान मान छोड़ो, मुझे बताओ मुझे गाड़ी कब दिला रहे हो? तुम्हारी स्कूटी में घूम घूम के परेशान हो गई, दिमाग खराब हो गया है मेरा, स्किन का सारा ग्लो चला गया, टैन हो गई है मेरी पूरी बॉडी। यार तुम पागल पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? मैं खुद बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से कार दिला दूँ? देख यार, ये फालतू की बकवास तो मेरे से कर मत, ठीक है? तेरे से वैसे भी मैंने कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करी हुई है। एक गाड़ी के लिए बोल रही हूँ, वो भी शादी के बाद हमारी होने वाली है, किसी और के पास ही जानी वो, ठीक है ना? और वैसे भी एक बात बता, जब फ्लैट के लिए खर्चा मैं जोड़ रही हूँ तो फिर गाड़ी का खर्चा तू क्यों नहीं कर सकता? तू कर ले यार। तेरे अंदर बुद्धि बुद्धि है कि नहीं है? यार बिल्कुल बेवकूफ हो गई है तू। तेरे पता है ना कि लॉकडाउन की वजह से मेरी सैलरी आधी हो चुकी है, घर के ढेरों सारे खर्चे हैं, भाई की पढ़ाई है, पर तू तो यार बिल्कुल पत्थर दिल हो गई है, तेरे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। देख शेखर, अगर गर्लफ्रेंड बनाने की औकात नहीं थी तो फिर गर्लफ्रेंड बनाई क्यों तूने? और वैसे भी जब जिम्मेदारी उठाने लायक कंधे ना हो ना, तो इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से शौक पालने चाहिए, समझा? तेरा अभी से ये हाल है तो पता नहीं तो शादी के बाद क्या करेगा, आगे पता नहीं तो दो वक्त की रोटी खिला भी पाएगा कि नहीं खिला पाएगा। खुद तो मरेगा भूखा, मुझे भी मारेगा, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें साथ लेके डूबेंगे, है ना? अगर तेरे हालात ऐसे ही चलते रहे ना तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चल पाएगा, टिकेगा नहीं है। कर दी छोटी बात, अगर प्यार करने वाले एक दूसरे के हालात को नहीं समझेंगे तो बता ना किस बात का प्यार? अरे प्यार तो वहाँ पर होता है जहाँ पर अगर दोनों में से किसी एक को चोट लगे तो दूसरे को खुद ब खुद दर्द हो जाता है, लेकिन आज लग रहा है कि प्यार हार गया हमारा। तेरी बातें सुन के मुझे प्रश्न नहीं लगता है कि मैं तेरे लायक ही नहीं हूँ। चाहे रही मानसी, ढूंढ ले किसी को जो तुझे डिजर्व करता हो। सॉरी यार शेखर, मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बोल गई। एक्चुअली वो मैं फ्यूचर के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने लगी थी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था जबकि कि मैं तुम्हारा हर हाल में साथ निभाऊंगी। अब तो तुम मुझे साइकिल में घुमाओगे ना, तो मैं उसमें भी एडजस्ट कर लूँगी। लव यू। हाँ लव यू टू हिमांशी। चल चल यार, मैं चलती हूँ। हाँ अरे हाँ जल्दी जा यार, कहीं मेरे भाई ने देख लिया ना मुसीबत हो जाएगी, मेरे घर पे बताने से पहले वही बता देगा। चल मिलता हूँ तुझसे। हाँ बाय। ओके टेक केयर। क्या बात है, बैग वैग चश्मा वश्मा बाइक है? तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा तेरे पास इतनी महंगी बाइक खरीदने के पैसे होंगे। सच बता कहाँ से लाया है? शक्ल से तो आपके भी लगता है कि आप पे साइकिल खरीदने के पैसे होंगे। ये स्कूटी चोरी करी हुई है कि किसी से मांगी है? शर्म नहीं आती क्या तेरे को? जब देखो मुँह खोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा। मिठाई वाले काम पे मिठाई नहीं मिलती मैडम, आप मुझे परेशान कर रही हो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ तक बात रही है बाइक की, ये बाइक मेरी है, मेरे भैया ने मुझे दिलाई है। और ये जितना टाइम तुम ये बकवास में लगा रही हो ना, और इतना टाइम पढ़ाई में लगाती तो आज कुछ बन गई होती, ऐसे वेली नहीं घूमती। तेरी अकड़ तो एक दिन मैं उतारूंगी, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है तू, बेला कहीं का गवार। जाओ निकलो, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। शेखर मानसी तू यहाँ पे, बता के तो आना चाहिए था यार। तो क्या हो गया, अपने ही तो घर है, इसमें क्या बताना है? लेकिन यार पागल, फिर भी एक बार तो बताना चाहिए ना। भैया खाने खाने आ जाओ, खाना बन गया है। देख के तो मुझे पहले ही लग रहा था कि तू कुछ ऐसे छोटा मोटा सा काम करता होगा, तो आज पता चला तू शेखर के घर पे काम करता है, शेखर का नौकर है। लग ही रहा था तेरी तो यही औकात है। मानसी चुप हो जाओ, क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, मेरी औकात छोड़ो, अपना देखो। गौरव तुम भी चुप हो जा। शेखर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम इस मामूली से नौकर के चक्कर में मेरे साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो, मुझे क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो? हद हो गई, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम, भाई है मेरा वो। जहाँ तक उसकी औकात की बात रही
तो 12th में टॉपर था और अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। साथ ही वो एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है, अगर उसके लिए कोई अच्छा इन्वेस्टर मिला तो वो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, तुम इस बदतमीज के चक्कर में मुझे डांट मार रहे हो, तो अब डिसाइड कर लो, या तो तुम्हारा भाई या फिर मैं, करो अपना डिसाइड अब। हिमांश से रिश्ते निभाए जाते हैं, बांटे नहीं जाते। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, या तो तुम्हारा भाई या मैं। मानसी, ये मेरा छोटा भाई है। बचपन में जब इसने मुझसे पहली बार बोला तो उस पहले शब्द के साथ मेरे कंधे पे एक नई जिम्मेदारी आई। जिंदगी में प्यार करने वाला एक नया शख्स आया, खुशियों की एक नई वजह आई, और साथ ही एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आया जिसका बस मेरे साथ होना ही काफी है। मानसी, भाई भाई का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। बचपन में हम दोनों लड़ते झगड़ते एक दूसरे को माँ बाबू जी से पिटवा तक देते थे, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी को हल्की चोट सी भी लगती ना तो हम दोनों की जान पे बनाती थी। खैर, अब हम बड़े हो गए हैं, नादानी नहीं करते, लेकिन जान एक दूसरे पे अभी भी छिड़कते हैं। और जहां तक तेरी बात रही तो तू इस अजनबी शहर में मेरा सहारा बनी, मेरी ताकत बनी, और शायद कुछ देर पहले तक तू मेरी ताकत ही थी, लेकिन अचानक तूने मुझे कमजोर कर दिया। बाकी हिमांशी, रिश्ते अगर टूट जाए तो उनमें गांठ आ जाती है, और अगर आपके पास मौका है उस गांठ को सुलझाने का तो रिश्तों की उस गांठ को काटने की बजाय सुलझा लो। इससे ये होगा कि कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे और परिवार की खुशी बरकरार रहेगी। खैर, आज तूने चुनने की बात कर ही दी है तो मैं चुनूंगा अपने भाई को। वैसे तो तुम दोनों ही मुझे जान से प्यारे हो, लेकिन मैं अपने भाई को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि बंटवारे की बात तूने करी है, उसने नहीं। और ये जो बंटवारे की आग होती है ये कभी शांत नहीं होती। आज तू मुझे मेरे भाई से अलग करने की बात कर रही है, हो सकता है कल को तू मुझे मेरे माँ बाबू जी से अलग करने की बात करे। बस बताऊं गम किस चीज का है? गम इस चीज का है कि चॉइस बहुत ज्यादा बेकार थी। अफसोस हो रहा है आज मुझे अपनी चॉइस में। हिमांशी, तू जा सकती है, मैं तुझे अपनी जिंदगी से आजाद करता हूं। जब इसे रिश्तों की इतनी समझ है तो सोच इसका दिल कितना अच्छा होगा। हिमांशी, ईगो छोड़, माफी मांग ले। सॉरी शेखर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया, तुम्हारे भाई को बहुत गलत समझ लिया। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, गौरव से मांगो। सॉरी गौरव, मुझे माफ कर दो। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे यार, अब सब कुछ सही हो ही गया है तो चाय पीते हैं और करते हैं चाय पे बात। चलो फिर मैं बना के लाती हूँ चाय। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा चाय। मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो यार, आप लोग अपने भाइयों के नाम कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि आप लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं, या फिर आप लोग की कोई प्यारी सी मेमोरी हो बचपन की तो उसे भी जरूर शेयर करें कमेंट में। तो आज की जो ये वीडियो थी उसमें हमने देखा कि किस तरह भाई भाई का रिश्ता होता है और छोटे भाई की क्या अहमियत होती है। जब वो पहली बार अपने भाई को भैया बोलता है तो वो सिर्फ एक भैया नहीं होता, उसमें बहुत सारे भाव छुपे होते हैं, कोई जिम्मेदारी छुपी होती है। तो ये सब कुछ हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। लव यू ऑल, टेक केयर।